हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही स्पेशल ओकेशन है। मुझे यह कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि अब हम 100 सब्सक्राइबर की वंडरफुल कम्युनिटी बन चुके हैं, और इसलिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबके सपोर्ट से हमने ये अमेजिंग अचीवमेंट की है। इसी खुशी के मौके पर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार और स्पेशल आइसक्रीम की रेसिपी। और इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसमें हम बिल्कुल भी शुगर या हैवी क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस रेसिपी में गैस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइसक्रीम बनाने के लिए हम ये इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे। पके हुए 4 से 5 बनाना, 3 से 4 चम्मच काजू के टुकड़े, आधी कटोरी दूध, 2 चम्मच कोको पाउडर और 3 चम्मच मिश्री। गार्निशिंग के लिए हम मिल्क चॉकलेट यूज़ करेंगे। सबसे पहले पके हुए बनाना को पील कर छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब आप इंश्योर करें कि बनाना बिल्कुल राइप है, क्योंकि इसे हमारी आइसक्रीम में क्रीमी टेक्सचर आएगा और नेचुरल स्वीटनेस भी आएगी। अब इन्हें ओवरनाइट फ्रीज करेंगे। नेक्स्ट डे एक ब्लेंडर में इन फ्रोजन बनाना को डालें, साथ में मिश्री, कोको पाउडर, काजू के छोटे टुकड़े और दूध डालकर स्मूथ पेस्ट बनाएं। मैंने यहाँ पे मिश्री का इस्तेमाल चीनी की जगह किया है, ताकि आइसक्रीम में शक्कर की कमी महसूस ना हो और यह एक हेल्दी फ्रेंडली ऑप्शन बने। अब हम हमारे आइसक्रीम को स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम आइसक्रीम को एक कंटेनर में डालकर ढककर फ्रीज़र में रख देंगे और उसे कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज कर लेंगे। इससे आपकी आइसक्रीम अच्छे से सेट हो जाएगी और परफेक्ट टेक्सचर में बनेगी। मैंने इसे ओवरनाइट फ्रीज किया था। आइसक्रीम का टेस्ट और इन्हेंस करने के लिए इसमें हम आधी चम्मच वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारी आइसक्रीम अच्छे से फ्रीज हो गई है। वाओ, हमारी आइसक्रीम कितनी डिलीशियस और अमेजिंग लग रही है। उसे निकालकर सर्व करेंगे और मिल्क चॉकलेट से गार्निश करेंगे। इसमें आप अपनी पसंदीदा टॉपिंग भी डाल सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि कैसी आइसक्रीम बनी। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी चैनल की लेटेस्ट रेसिपी और अपडेट सबसे पहले मिल सके। और हाँ, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और मुस्कुराते रहिए। हैप्पी कुकिंग।